हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वंदनास फोनोलॉजी। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु और अक्षरा का हो जाएगा तलाक। जी हाँ दोस्तों, अब अभिमन्यु अक्षरा के रोमांटिक मोमेंट्स हमें देखने नहीं मिलेंगे क्योंकि ये दोनों अब अलग हो जाएंगे। दरअसल शो में आने वाला है 5 साल का लीप और इसके बाद पूरी कहानी उथल पुथल हो जाएगी। सीरियल में नील की मौत हो चुकी है और मंजरी और सभी घर वाले अक्षरा को इसका जिम्मेदार मानते हैं। इसके बाद अभिमन्यु अक्षरा से कहेगा कि वो अब अक्षरा के साथ नहीं रह सकता और वो उसे तलाक दे रहा है। ये सुनकर अक्षरा घर छोड़कर चली जाएगी। शहर छोड़कर तन्हा अक्षरा जब बस में जा रही होगी तो वहाँ अक्षरा की मुलाकात एक अजनबी से होगी। ये अजनबी अक्षरा का आगे चलकर बहुत अच्छा दोस्त बनेगा और ये कोई और नहीं सुहाना के ईशान होंगे, यानी जय सोनी, जिनको आप ससुराल गेंदा फूल में बहुत पहले देख चुके हैं, जो स्टार प्लस पर ही आता था। अक्षरा का ये नया दोस्त ही उसके जीवन में आगे खुशियां लाएगा, उसको मुस्कुराना सिखाएगा, क्योंकि अभिमन्यु से जुदा होने के बाद अक्षरा बिल्कुल टूट जाएगी। तो अपनी आगे की जिंदगी अक्षरा इसी दोस्त के सहारे बिताएगी, जिनकी एंट्री अक्षरा की लाइफ में बहुत जल्द होगी। ये तो हो गई अब तक की कहानी। अब आपको बताते हैं 5 साल बाद अभिमन्यु और अक्षरा की जिंदगी में क्या क्या होगा। अभिमन्यु और अक्षरा की कहानी दरअसल अब फॉलो कर रही है कार्तिक और नायरा की स्टोरी को। अब ये कैसे, ये हम आपको बताते हैं। अगर आपको याद हो तो कार्तिक और नायरा ने उनकी पहली बेटी खो दी थी। अक्षरा अभिमन्यु का भी एक बच्चा नहीं रहेगा। उसके बाद जिस तरह शुभम की मौत का जिम्मेदार स्वर्णा ने नायरा को ठहराया था, उसी तरह अब की बार नील की मौत का जिम्मेदार मंजरी अक्षरा को ठहरा रही है। खबरदार, तुम मेरे बच्चे को हाथ लगाया तुमने? खबरदार, मर गया मेरा बेटा, नायरा मर गया। अक्षु, सब कुछ छिन गया हमारा, सब बर्बाद हो गया। देखो जो करना है कर, तू बस यहां से चली जा, यहाँ से चली जा बस। जिसके बाद 5 साल बाद कार्तिक और नायरा की जिंदगी 5 साल आगे चली जाती है। उसी तरह अब शो में 5 साल के लीप के बाद अक्षरा और अभिमन्यु की जिंदगी भी 5 साल आगे चली जाएगी। जिस तरह कार्तिक नायरा का डिवोर्स दिखाया गया था, उसी तरह अभिमन्यु और अक्षरा के रास्ते भी अलग हो जाएंगे। लीप के बाद नायरा और कार्तिक की बेटी दिखाई गई थी, जो अब अक्षरा है। उसी तरह अक्षरा और अभिमन्यु की भी एक बेटी दिखाई जाएगी। इसका मतलब जो अब तक दिखाया जा रहा है कि अक्षरा अपने दोनों बच्चों को खो चुकी है, वो नहीं होगा। अक्षरा का एक बच्चा अभी भी जिंदा है, जो लीप के बाद उसकी बेटी के रूप में नजर आएगी। सोर्सेस की अगर माने तो अक्षरा अभिमन्यु की बेटी के किरदार में त्रिशा सारदा, जिनको आप सोनी टीवी के शो यशोमती मैया के नंदलाला में कृष्ण के रूप में देख चुके हैं, वही इन दोनों की बच्ची का किरदार निभाते दिखाई देंगी। तो कुछ इस तरह मोड़ लेगी अक्षरा अभिमन्यु की आगे की कहानी। इसका मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आगे की स्टोरी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं। इस सीरियल से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।